मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में गुटबाजी देखने को मिल रही है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय उद्घाटन के दौरान विधानसभा एक से दावेदारी करने वाले ताई समर्थक सुदर्शन गुप्ता ने अपने भाषण में एक भी बार विजयवर्गीय का नाम नहीं लिया। इंदौर पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री के सम्मान के दौरान भी कैलाश ने सुदर्शन गुप्ता का हाथ अपने हाथ से पीछे हटा दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक से कई प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे थे। उनमें से एक दावेदार पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता भी थे, जो 2018 के विधानसभा चुनाव में चुनाव हार कर फिर से क्षेत्र में तैयारी में लगे हुए थे। लंबे समय की तैयारी के बाद जब ताई समर्थक सुदर्शन गुप्ता को टिकट नहीं मिला तो उनकी नाराजगी लगातार सामने आने लगी है। लोकसभा स्पीकर रही सुमित्रा महाजन के काफी करीबी कहे जाने वाले सुदर्शन गुप्ता 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान मंत्री बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी अपने कट्टर समर्थक रमेश मेंदोला को मंत्री पद दिलाने के लिए अड़े हुए थे। इस अड़ीबाजी के बाद ताई भाई के समर्थक को मंत्री न बनाते हुए इंदौर से एक भी मंत्री 2013 की विधानसभा में नहीं किया, जिसके कारण ताई समर्थक विजयवर्गीय से खासे नाराज थे और अब इस विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं ताई समर्थक कैलाश विजयवर्गीय को अंदरूनी तौर पर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। रविवार को कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान सुदर्शन गुप्ता ने अपना उद्बोधन तो दिया, लेकिन उस पूरे उद्बोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा क्षेत्र के उस प्रत्याशी का नाम भी नहीं लिया जिससे वह चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में उद्बोधन दे रहे थे। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय लगातार सुदर्शन गुप्ता को साधने में लगे हुए हैं, लेकिन अब भी कैलाश विजयवर्गीय को भीतरघात की आशंका नजर आ रही है। वहीं इंदौर पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सम्मान के दौरान भी कैलाश ने सुदर्शन का हाथ अपने हाथ से पीछे हटा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। गणपति से निशान रैली के रूप में सब इंदौर का नेतृत्व माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत अभिनंदन कर रहा, आप सब भी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करिए। कल प्रातः 10 बजे